हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवानी कुक्स। आज हम बनाने जा रहे हैं आटे का हलवा। मुझे कई लोगों ने कहा कि आटे का हलवा बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, उसमें गांठें पड़ जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम इसको केयरफुली बनाएंगे तो इसमें कोई लम्स नहीं पड़ेंगे, बहुत ही इजी स्मूथ हलवा बनता है। तो आइए बताती हूँ किस तरह से बनाना है, लेकिन प्लीज इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबाइए। थैंक यू फ्रेंड्स। जैसे कि आपने देखा कि इसके लिए हमें एक बॉल गेहूं का आटा, एक बॉल रिफाइंड, एक बॉल शुगर, थोड़े से काजू और थोड़ी सी किशमिश, इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो आइए, हमने गैस पर कढ़ाई रखी है, लेट्स द फ्लेम ऑन। बर्तन को थोड़ा सा गर्म हो जाने दीजिए। बर्तन थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, इसमें जो हमने वन बाउल डिफाइंड रखा था ये इसमें डाल देंगे। वन बॉल रिफाइंड, आप इसमें देसी घी का यूज भी कर सकते हैं। अब इसको गर्म होने से पहले इसमें हम वन बॉल आटा डाल देंगे। इसको तब तक भून लेंगे जब तक कि ये ब्राउन ना हो जाए। जब आपका ये आटा ब्राउन हो जाएगा, नेक्स्ट प्रोसीजर तब स्टार्ट होगा। इसको ब्राउन कर लेते हैं। इसको इस तरह से चलाएंगे कि ये कहीं से भी लगे ना, क्योंकि अगर आटा लग गया या जल गया तो आपका जो हलवे का कलर है ना वो अच्छा नहीं लगेगा और खाने में भी कड़वा टेस्ट आएगा। तो अगर आपको लगता है कि आपकी फ्लेम बहुत तेज है, आप इसको ठीक से हिला नहीं पा रहे हैं और पहले ही लगने लगा है, तो इसको सिंपल कर दीजिए, थोड़ा सा कम कर दीजिए। वैसे ही तेज पर ही भुना जाता है, मीडियम पर कर सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस जब तक करनी है इसको मीडियम पर करके फिर भूनिए। ये देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए, इसने ब्राउन कलर ले लिया है और मैंने फ्लेम को सिंपल कर दिया है बिल्कुल। और जो मैंने पानी नापा था, 3 गुना पानी नापा था मैंने, उसको मैंने एक स्टिक वाले हैंडल वाले बर्तन में ले लिया है, क्योंकि जब इसको पानी को हम हलवे में डालेंगे तो ये पानी थोड़ा सा उछलेगा। तो आप प्लीज थोड़ा सा पीछे होकर के और हैंडल वाले बर्तन में पानी डालिएगा। ये देखिए इस तरह से इसको हिलाते हुए, इसको लाइट लाइट हिलाते रहना है ताकि इसमें लम्स ना पड़े। ये देखिए इस तरह से इसको धीरे 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 पानी डालना है और इसको स्लोली इसको हिलाते रहना है। नाइस ना, हमने बहुत काला भी नहीं किया है ना आटे को, और व्हाइट भी नहीं रखना है। देखिए आपका हलवा बिल्कुल हो गया है। देखिए इसको चलाते रहेंगे, लेकिन अब इसमें हम चीनी भी डाल देंगे साथ के साथ, चीनी भी डाल देंगे। इसको चलाते रहना है इस तरह से, इसमें शुगर मिक्स हो जाएगी। अब किशमिश रखी थी, किशमिश को हमने थोड़ा वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इसमें हमने किशमिश भी डाल दी है, काजू भी डाल दिए हैं थोड़े से हमने साथ के साथ ही इसमें। ये देखिए इसको चलाते रहेंगे, क्योंकि मीठा है, अगर हम इसको चलाएंगे नहीं तो नीचे से जलेगा। ये देखिए कितना अच्छा इसमें भून गया है, बहुत बढ़िया है। देखिए कढ़ाई के साथ टच नहीं हो रहा है, ये देखिए इस
इसका मतलब ये होगा बहुत ही बढ़िया बना है, तो अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये हलवा बनकर रेडी हो गया है। अब ये देखिए हमारा हलवा खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। लुक्स से देखिए कितना ही डिलिशियस लग रहा है देखने में। तो फ्रेंड्स बाय बाय।